इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जनपद इटावा से आ रही है, जहां श्रद्धालुओं से भरी पीसीएम पलट चुकी है। जी हां, आपको बता दें 11 लोगों की मौत हो गई है, 41 व्यक्ति घायल हैं। थाना बड़पुरा क्षेत्र अंतर्गत उदी मोड़ पर श्रद्धालुओं से भरी डीसीएम पलटने की घटना के संबंध में हम आपको बताएंगे पूरी खबर। पिनाहट आगरा से लखना मंदिर थाना बकेवर पर झंडा चढ़ाने जा रहे लगभग 52 श्रद्धालुओं से भरी डीसीएम संख्या UPSC BT5529 थाना बड़पुरा क्षेत्र अंतर्गत चकरनगर रोड पर उदी चौराहे से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में गिर गई। सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इडावा डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह एवं अन्य उच्चाधिकारीगण तथा थाना बड़पुरा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य प्रारंभ किया गया। घायलों को तत्काल चिकित्सीय सहायता हेतु जिला अस्पताल इटावा लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा 11 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि कर दी गई। घायल 41 लोगों को जिला अस्पताल इटावा में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। देखिए रिपोर्ट R9 भारत के लिए आकाश सिंह, जनपद इटावा, उत्तर प्रदेश। शाहजहांपुर से बंडा की तरफ बात करेंगे, जहां प्रधान प्रत्याशी व लेखपाल के बीच विवाद में प्रधान प्रत्याशी की पत्नी के साथ सत्ता पक्ष के विधायक ने थाने पहुंचकर लेखपाल के खिलाफ रुपए लेकर उचित वोट न बढ़ाने पर पैसे वापस मांगने का लेखपाल द्वारा जात सूचक गालियां देते हुए मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग कर डाली है। यह मामला हम आपको बता रहे हैं बंडा क्षेत्र का। बृहस्पतिवार को गांव पटरी चांदोपुर निवासी प्रधान पद के प्रत्याशी नीरज कुमार व हल्का लेखपाल बबलू कुमार के बीच वोट बढ़वाने के मामले में मारपीट हुई थी, जिस पर पुलिस ने लेखपाल के तहरीर पर नीरज कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। नीरज कुमार को जेल भेज दिया गया था। शनिवार को प्रधान पद के प्रत्याशी नीरज कुमार की पत्नी ने सत्ता पक्ष के विधायक के साथ थाने पहुंचकर पुलिस को बताया कि उनके पति नीरज कुमार ने लेखपाल बबलू कुमार को उचित वोट बढ़वाने के लिए कहा था। इस पर लेखपाल ने उनके पति से 6000 रुपए लिए थे और रुपए लेने के बाद वोट नहीं बढ़ाए, यह माजरा सामने आ रहा है। इस पर उनके पति ने अपने रुपए वापस मांगे तो लेखपाल जात सूचक गालियां देने लगा, जिसका विरोध करने पर पति को मारा पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। शनिवार को प्रधान प्रत्याशी की पत्नी कई लोगों के साथ सत्ता पक्ष के विधायक को लेकर थाने पहुंची और कार्रवाई की मांग करने लगी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं करी है। इस संबंध में थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच पर कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद मामले की विवेचना करी जाएगी। बंडा का यह वोट बढ़वाने का और वाद विवाद का मामला सामने आया है, जो कहीं न कहीं प्रशासन पर एक सवालिया निशान भी खड़ा करता है। क्या है पूरा मामला? देखिए मामला क्या, हमारा तो क्षेत्र है, क्षेत्र में हम अपने जाते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं। जी जी, अभी ये हमारे पास गांव चांदोपुर के लोग सब सामने आपके खड़े हैं, इन्होंने बताया कि कोई लेखपाल है, उसने बबलू नाम, क्या नाम, उसने रुपए भी ले लिए, कोई वृद्धावस्था या विधवा पे फार्म पे दस्तखत करने के लिए कितने लिए, किससे किससे रुपए लिए बताओ तुम लोग? 1000 रुपए मैना देवी से लिए। मैना देवी, और किससे? 1000 से बयान ले। तो मैंने कहा, और उसने झूठा ही किसी नीरज नाम के व्यक्ति पे मुकदमा, हाँ ये देखो हो रहा है, इनसे बताओ, इनसे रुपए भी ले लिए, इनके रुपए भी लेके और फर्जी मुकदमा। और क्या है पूरा मामला? गोरा देवी, क्या है पूरा मामला बताइए। 5000 रुपया जमीन के नाम के, पहले फिर बाद में नवीनों ने आए पैसा मांगे, फिर उनका और गाड़ी फकरी देने लगे, फिर कहा शहजहांपुर जाओ, चाहे तुम कहूँ जाए पैसा हमें और 5000 रुपया दो तो हम कहा। किसने लिए 5000 रुपया? हमसे 6000 रुपये ले थे, तो कहे हम तुम्हारा काम कर देंगे, और काम नहीं हुआ और जो बात हमारे पति से। किसने लिए थे 6000 रुपये? लेखपाल का नाम जानती हैं आप? तो क्या हुआ, तहरीर दिया आपने थाने में? हाँ, थाने में। पुलिस का क्या कहना है? हमारा कहना यह है कि मुकदमा लिखा जाए। नहीं तो पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने अभी कुछ नहीं कहा। मामला ये है, लड़का खत्म हुआ, उसके अंदर तो प्रमाण पत्र आए, प्रमाण पत्र सब कागज में सब दिए और कहा तुम्हारा हम पैसा दे पाएंगे, वो 30000 रुपये, और उसके बाद में 1000 रुपये हमसे ले लिए, हमने दे दिए, ठीक है। बाद में कहीं वो तुम्हारा कुछ पास ही नहीं हुआ, और उसके बाद हमने कहे तो गरीब आदमी 2000 रुपये हमारे चले गए, कहीं अब हमसे दूर है ना, इसमें तो रहना चलता है। किसने पैसे लिए आपसे? लेखपाल बबलू कुमार। तो थाने में तहरीर दी आपने? नहीं, थाने में नहीं, तहरीर नहीं, बैठ गए शांत होकर, मगर भी दी वो आप। हम आए हैं इसलिए लेखपाल ने 1000 रुपये ले हैं और बार बार कमरे पर बुलाते रहे। तो आपने क्या थाने में तहरीर दी है क्या? हाँ। तो क्या कहा है पुलिस ने? पुलिस ने अभी तो कुछ नहीं कहा।
नहीं, क्या है आपका आरोप, फिर से बताइए क्या है पूरा मामला? आरोप जो है, हमने विरासत के लिए 1000 रुपये दे थे, ने विरासत तो नहीं ने मेरे नाम पर। फिर कब वो कमरे पे बुलाते रहे कि आप कमरे पे आ जाए। अच्छा, तो आपने तहरीर दी है थाने में? क्या कहा है पुलिस ने? पुलिस ने कुछ नहीं। R9 भारत के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट, बंडा, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। बात करेंगे यूपी के फरुखाबाद की, जहां दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। जी हां, दबंग बदमाश डाकघर से नकदी, डाक टिकट, मोहर, मोबाइल लूटकर फरार हो गए। यह मामला आपको बता रहे हैं कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के उगरपुर का, जहां दबंग डाकघर के पैसे जमा करने आए थे और टाइम खत्म होने पर पोस्ट मास्टर ने पैसे जमा करने से जब मना कर दिया तो दबंगों ने डाक कर्मचारी के साथ मारपीट कर डाली। मारपीट कर रखी डाक फाड़ कर बैग में रखी नकदी 12,428 रुपये और डॉक टिकट 1,054 रुपये, रसीद टिकट 513 की सरकारी मोहर व लॉकर की चाबियां लूटकर फरार हो गए। डाक कर्मचारी ने बदमाशों पर कैश लूटने, टिकट लूटने, मोहर व लॉकर की चाबियां लूटने का आरोप लगाया। दबंग लुटेरों के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी गई है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। किस पद पर तैनाती है आपकी? मदनपुर ब्रांच पोस्ट मास्टर शाखा डांपनपुरिया। क्या घटना हुई आज? आज लगभग 1:20 पर दोपहर में शाखा डाकघर में इनकार करने के बाद अशोक नाम का एक व्यक्ति, जिसने पिछले महीने ही अकाउंट ओपन करवाया था 300 रुपये से, वो पैसा जमा करवाने के बहाने से उसने अंदर आया डाकघर के। पैसा जमा करने के मैं काम करने लगा वहाँ पर। काम करने के लिए मैंने उनसे ये कहा कि आज का टाइम मेरा डाक क्लोज हो चुका है, डाक मैंने बंद कर दिए। तो इतना ही कहकर वो मेरे नज़दीक आ गया, मेरे हाथ उसने पकड़े हैं। हाथ पकड़ के उन्हीं के साथ में 4 अन्य लोग आए थे। 4 अन्य लोगों ने मेरे साथ मारपीट स्टार्ट कर दी। उनमें से जो बलराम नाम का व्यक्ति था, उसने मेरे ऊपर तमंचा ताना जान से मारने के नीयत से, और मारपीट करने लगे। मारपीट जब तमंचा ताना, तो तमंचा ताने के साथ साथ मेरा कैश ले, जिसमें हमारा सरकारी कैश था और डाक हमारी लेकर लोग भाग गए। कितना रुपए था? 12,428 रुपये का। और भी कुछ था उसमें? हाँ, उसमें डाक टिकट 1024 की और 513 की रसीद टिकट थी। और क्या था उसमें? क्या नाम, और वाउचर वगैरह थे। डाक उन्होंने फाड़ के फेंकी, आधार के बहाने जाते सबसे पहले डाक उन्होंने अपने अंडर में की थी, और लॉकर की जो सरकारी डिवाइस रखी हुई है, अन्य डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं उनके साथ में, जो मोहर वगैरह थी हमारे जो काम कर रहे थे ऑन काउंटर पर, वो मोहरें लेकर हमारे साथ पूरी भागे। R9 भारत के लिए दीपक शुक्ला, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश। बात करें यूपी के शाहजहांपुर के, तो शुक्रवार रात हरदोई लखनऊ हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें कार सवार ठेकेदार समेत उसके दोस्तों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल थाना सदर बाजार क्षेत्र के मक्खू बजरिया निवासी कपिल मिश्रा जिला पंचायत में ठेकेदार थे। कल रात वह अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से जनपद हरदोई के शाहबाद से घर लौट रहे थे। कार में ठेकेदार के साथ पड़ोस में रहने वाले मित्र अनमोल मिश्रा भी शामिल थे। घटना स्थल के पास कनेंग के ग्रामीणों ने बताया कि रात करीब 1 बजे किसी धमाके की आवाज सुनाई दी। जब बाहर निकलकर देखा तो कार नीचे गहरे गड्ढे में गिरी थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि तेज रफ्तार होने के कारण कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी है। आपका? कुणाल शुक्ला। कैसे, क्या घटना हुई है? रात में हमारे भाई सावा से वापस आ रहे थे, वापस आ रहे तो कनेंग फार्म पार्क जो डिवाइडर है वहाँ डिवाइडर के पास से गाड़ी निकल रही, दूसरी लगा डिवाइडर टकरा जाए गाड़ी में, गाड़ी का स्टेयरिंग काट दिया, गाड़ी जो टकरा के अंतिम उतर के पेड़ में टकरा गए। किस गाड़ी से ये लोग थे? स्विफ्ट डिजायर पर। कितने लोग इसमें एक्सपायर हुए? दो ही लोग थे गाड़ी में। क्या काम करते थे ये? ये ठेकेदारी करते थे ग्राम पंचायत के। तो क्या, कहाँ से आ रहे थे ये? शाहबाद से। कौन कौन लोग थे? एक हमारे भाई थे कपिल शुक्ला, और दूसरा हमारे पड़ोसी अनमोल मिश्रा, वो कपिल का दोस्त था, और सभी का दोस्त था, जितने लोग हम लोग। R9 भारत के लिए अरविंद त्रिपाठी, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश।